ओम शांति। योग है जोड़, और जोड़ क्या है, किसका किसके साथ जोड़, आप सभी आत्माओं का एक बाप के साथ जोड़, सबसे तोड़ एक से जोड़, उसको योग कहते हैं। क्या कठिन है योग, क्या है याद, क्या है सहज योग, क्या है अशरीरीपन, क्या है कर्मातीत अवस्था, क्या है, ये सारे शब्दों का अर्थ एक ही है कि हमको बाबा को याद करना है। और याद तभी आती है जब आप याद करते हो, क्योंकि आप भूले तब जब आपको याद नहीं रहा, तब आप भूल गए। हमने अपने इर्द गिर्द ऐसे जाल बुने हैं जो हमें भुला देते हैं, जबकि वही कारण है कि हमें याद आ भी सकती है। अमृत वेले उठते हैं, जो हमें उठाता है वो है हमारा बाबा, उसकी याद आ सकती है। जो अमृत वेले हमारी मीटिंग है, जिससे मुलाकात है, वो है हमारा बाबा। जिससे हम बैठ के बात कर सकते हैं वो है बाबा। वो हमें हमारे स्वरूप में देखना चाहता है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी ओरिजिनलिटी, हम जो हैं अभी हम अपने आप को समझते हैं। बस उसमें स्थित होने के लिए हमें 45 मिनट का योग करना होता है। जो हम हैं, हम शांत हैं, हैं हम सुख स्वरूप हैं, हैं हम आनंद स्वरूप हैं, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हम गुण स्वरूप हैं, हम शक्ति स्वरूप हैं। ये सात आत्मा के गुण हैं, माना उसके स्वरूप हैं। आत्मा जब इसमें स्थित हो जाएगी तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेगी। कर्म हम तब भी करेंगे लेकिन उसके बंधन में नहीं फंसेंगे। अभी कर्मों के बंधन में है क्योंकि ये सातों गुण इमर्ज रूप में नहीं है। और जब ये सातों गुण इमर्ज रूप में होंगे तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होंगे और जीवन मुक्त होंगे। और जब जीवन मुक्त होंगे तभी हम फरिश्ता बनेंगे, तभी हम कह सकेंगे अब हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं। अभी हम अपने आप को याद करते हैं कि हाँ तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी रिश्ता याद आता है। और जिसने हमें सब कुछ दिया वही हमें भूल जाता है। और आप ये वायदा भूल जाते हो कि आपने बुलाया और वो तो घर छोड़ के आ गया, हम ही चलने को तैयार नहीं है। फंस गए साइंस की दुनिया में, फंस गए माया के जंजाल में। जिसको बुलाया उसी से मुंह मोड़ लिया, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आज हमें फरिश्ता बनना है। क्या बनना है सोचो, बाबा वेट कर रहा है, आपके इंतजार में है। ये सारे पल आपने जिए बाबा के साथ तो बाबा को भी तो आपकी याद आती हो। आप कहते हो हमें बाबा आपकी याद आती है, तो बाबा को आपकी याद नहीं आती? बाबा को भी आपकी याद आती है। तो चलो चलते हैं फरिश्ता बन, एक ड्रिल करते हैं, बाबा के पास चलते हैं। चले, इतना प्यार है आपका बाबा से, बाबा का आपसे, हर चीज आपको नजदीक बाबा की ओर समीप लेके जा रही है। अब ये सारे फरिश्ते जा रहे हैं बाबा के पास। सोचो जब फरिश्ता धीरे 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 ऐसे हल्का होता जाता है, ऐसी तरह से आप अपने शरीर को धीरे धीरे हल्का करते हुए वापिस अपनी पोजीशन पे बैठ सकते हैं। अभी सभी फरिश्ते बाबा के पास चलने के लिए तैयार है। आज विशेष बाबा ने आप फरिश्तों के लिए वहां महफिल सजाई है।
और सबके लिए एक आसन बनाया, सबके लिए आसन तैयार। बाबा ने वतन को फूलों से सजाया हुआ, हरेक के आसन पर रंग बिरंगे फूल, ऐसे स्टेज की तरह आपका आसन बनाया हुआ है। अभी आप सभी बाबा के पास चलने के लिए तैयार होकर उन आसन पर बैठने के लिए तैयार हो जाए। इस शरीर को यही छोड़ देना है और लाइट का शरीर धारण कर फरिश्ता बन बाबा के पास जा रहे हैं। लाइट के शरीर में आते, लाइट के शरीर से चमकती हुई ऐसे लाइट, ऐसे किरने और आपके ऊपर ऐसे सितारों की बारिश हो रही, जैसे ऐसे फूलों की ऐसे सितारों की बारिश आपके ऊपर भी हो रही है। और शरीर आप ऐसे छोड़ रहे हो तो सितारे जिल मिला रहे आपके ऊपर, और पंख भी है आपके पास, और आप बाबा के पास उड़ते उड़ते पहुंच रहे हो। और ऐसे झिलमिल सितारे आपके आसपास ऐसे चमक रहे हैं, और बाबा के पास ऐसे बाबा बाबा हम आ रहे हैं, ऐसे अंदर जैसे धुन लगी। बाबा भी ऐसे बाहें पसारे फरिश्ता बने वतन में इंतजार करो। आओ बच्चे आओ मेरे पास, आओ बच्चे आओ मेरे फरिश्ते बच्चे। बाबा ऐसे बाहे फैलाए ऐसे 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 आह्वान कर रहे, आओ बच्चे आओ बच्चे। और वहां आसन लगे हुए हैं ऐसे फूलों से सजे हुए आसन, तो सभी फरिश्ते आप वहां पे अपने अपने आसन पर जाके बैठ जाते हो, और बाबा एक एक को बुला कर ऐसे बाबा ऐसे आओ फरिश्ते बच्चे आओ। बाबा हाथ मिलाए दृष्टि दे बाकी पहन रहे, एक एक बच्चे को बाबा ने दृष्टि दी, एक एक बच्चा बाबा के सम्मुख है। और वंडरफुल बात ये है, हर एक बच्चे के सामने बाबा है, हर एक के आसन के आगे बाबा खड़े हैं, और बाबा ने भी उतने ही रूप बना लिए जितने बच्चे। एक बाबा नहीं है, हर एक का पर्सनल ऐसे बाबा सबसे, हरेक के आसन के सामने बाबा ऐसे खड़े हैं, और मित एक एक के सामने बाबा है। बाबा फरिश्तों को इंतजार नहीं करा रहे, बाबा ने अपने अनेक रूप बना दिए, जितने बच्चे आए सबके आसन के सामने बाबा है। और बाबा एक एक से भागी पहन, मेरे लाडले फरिश्ते बच्चे बाप समान बनो। बाबा देखो तुम्हारी इंतजार में खड़ा है। तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया, हरेक के आगे जैसे आसन के आगे बाबा खड़े है ना, तो हरेक के आगे बाबा ने ग्लोब रख दिया है। बाबा ने कहा लो बच्चे पूरे विश्व को सकाश दो। बाबा के हाथ में विश्व का गोला है,
और वो गोला बाबा हरेक के हाथ में दे दे, और हरेक बच्चा वो गधों को उठाए, ऐसे नैनों से साकाश दे दे। और बाबा को देख देख मुस्कुरा रहे हैं, बाबा भी मुस्कुरा रहे हैं, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें बहुत शक्ति है ना, पूरे विश्व को देखो सकाश तुम्हें, मैं बाबा के समान फरिश्ता बन पूरे विश्व को सकाश दे रहा हूँ। पूरा विश्व जगमगा रहा है, सब बहुत खुश हो रहे हैं कि बाबा बाबा ऐसे हमारे भी अंदर से बाबा बाबा ही निकल रहा है। बाबा ने कहा, ये ऐसे ही पूरे विश्व को साकाश देते रहना, देखो अभी सब सतयुग बन जाएगा, तो देखते ही देखते सारा सुनहरा सतयुग बन गया। बाबा ने कहा, अब ये तुम्हारा सतयुग हो गया ना, इसको साथ लेना, अब रूप हाथ में उठाई, मैं वापस बाबा के साथ ही शरीर में। बाबा ने कहा, ऐसे पूरे विश्व को सकाश देना, सातों गुणों से सातों शक्तियों से सकाश देना, जैसे मैंने तुमको सिखाया ना ऐसे तुम भी दे। बाबा बाबा कितना मीठा बाबा, वतन में हमारे लिए आसन लगाए हुआ था, बाबा ने कहा तुम मेरे लिए संदली बनाते हो ना, मैंने भी तुम्हारे लिए संदली बनाई, तो हर एक की पर्सनल अपनी अपनी सीट है। बाबा का कितना प्यार है बच्चों के लिए, और बच्चों ने कहा, बाबा हमारा भी बहुत आपसे जास्ती नहीं है, आपका जास्ती है बाबा। तो ऐसे बाबा की बाहों में समा, बाबा ने कहा, बच्ची नीचे रहते भी ऊपर रहना, ऐसी फरिश्ता बने, अभी हम जल्दी जल्दी सतु में। फिर से साथ साथ रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। बाबा ने भेजा विश्व कल्याण, सारी तैयारी करनी है ना बाबा को विश्व में वापिस बुलाए, विश्व महाराजन बनाना, हमको तैयारी करनी है, करेंगे तैयारी। मस्तक में यहाँ एक मणि है, उसका प्रकाश पांव के अंगूठे तक है, अंदर की आंख से देखो मस्तक की मणि का प्रकाश पांव के अंगूठे तक कैसा है। आप सभी बैठते हो ना, आपके पांव ऐसे हो जाते हैं, तो उठने से पहले मस्तक की मणि का प्रकाश पांव के अंगूठे तक जाना चाहिए, फिर वापिस आना चाहिए, फिर जाना चाहिए, ऐसे सात बार। अच्छा,
विचार में बुला रहा मुझे, कोई बेहद से इशार में बुला रहा मुझे, जैसे जन्नत की बहार